और गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं, परेशानी है, इस कोरोना काल में और ज्यादा बढ़ गई है, इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि किसानों का उत्तर प्रदेश में अगर बात करें गन्ना किसानों का, कुछ 13,000 करोड़ रूपये बकाया है और हाल ही में कैबिनेट में ये प्रस्ताव सामने रखा कि चीनी का जो सेलिंग प्राइस है उसे बढ़ाकर 2 रूपये कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि ये तमाम जतन होते रहते हैं समय समय पर, लेकिन जो किसानों के हाथ में बकाया भुगतान पैसे की बात है वो कहीं ना कहीं थम जाती है, रह जाती है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार बड़े दावे करती है कि बाजार में लिक्विडिटी होनी चाहिए, नकदी बढ़नी चाहिए। हम पिछले कोरोना काल से ही एक डिमांड करते आ रहे हैं कि भाई किसानों का गन्ना बकाया है। किसान जो है दुकान से उधार लेता है, लड़की की शादी ब्याह करता है और तमाम चीजें करता है, तो वो सारा पैसा बाजार में जाता है, किसान के पास अपना पैसा रुकता नहीं। तो आपको जो है किसान का भुगतान करना चाहिए। अगर बाजार में आप फलों की बात करते हैं तो सबसे पहले गन्ना किसानों का भुगतान मिलना चाहिए। 14 दिन में एक्ट कहता है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन अब तो सीजन बंद हो गया तो अब तो जितना भी बकाया है सारा का सारा बकाया भुगतान है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यूपी की नहीं, देश की जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री हर सीजन में कटोरा लिए खड़ी रहती है। पहले किसान रेट की लड़ाई लड़ते थे, दूसरी अपनी मांग करते थे, लेकिन आजकल जो है जो इंडस्ट्री है, जो एस्मा एक इनका एसोसिएशन है, वो हर साल हाथ में कटोरा लेके खड़ी हो जाती है कि सरकार इसमें कुछ डाल दे, और उसका उन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया कि किसानों का भुगतान रोक दो। किसानों का भुगतान रोकेगा तो किसान आंदोलन करेगा, आंदोलन होगा तो सरकार पर दबाव बनेगा और उसका लाभ किसी न किसी रूप में शुगर इंडस्ट्री को मिल जाएगा। जैसे मैं बताऊं आपको कि यूपीए 2 में 2013 में 5000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन किया गया गन्ना भुगतान के लिए। अब वो 5 साल के लिए इनको फ्री में पैसा मिल गया, उसका ब्याज नहीं देना। उसके बाद जो है एनडीए की सरकार आई, 5000 करोड़ रुपए उसने दिए, नाम दिया गया गन्ना किसानों का भुगतान होगा, लेकिन शुगर इंडस्ट्री ने उसको दूसरे मद में यूज कर लिया। उसके बाद 7000 करोड़ का एक पैकेज और दिया गया, उसमें नाम दिया गया टेक्नोलॉजी का, किससे जो है ब्राजील से टेक्नोलॉजी लाएंगे, एथनॉल के प्लांट लगाएंगे और किसानों को भविष्य में फायदा होगा। तो मेरा बस कहने का एक ही मतलब है कि जितनी रियायतें, जितनी बेनिफिट इनको दी जाती रही, ये किसानों का भुगतान उतना ही लेट करते रहे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने की सरकार में इनका गन्ने का कमीशन खत्म कर दिया तो इनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ऐसे छोटी छोटी रिबेट दी जिससे इन्हें करीब 4000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। तो ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन करें, सरकार पे दबाव बने और उसका लाभ जो है शुगर इंडस्ट्री को मिलता रहे, यही इनकी एक मंशा है। धर्मेंद्र जी, आपने बोला कि सरकार किसानों को मजबूर करती है कि वो आंदोलन करें। अभी रविवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले जो कार्यकर्ता है, जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने एक बार फिर से ट्विटर एक्शन किया, डिजिटल स्ट्राइक की, ब्याज समेत गन्ना भुगतान। आप लोगों की किस तरह की स्ट्रैटेजी है आने वाले दिनों में, कुछ इस तरह का दबाव बनाने की कोई कोशिश, या फिर जो भी एक ही लक्ष्य की प्राप्ति है, जो भी किसान संगठन इस तरह के स्ट्राइक्स कर रहे, इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग एक साथ एकजुट होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर काम क्यों नहीं करते? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, एक परिपाटी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है जब तक कोई बड़ा आंदोलन ना हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, जब तक कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो तब तक ये सरकार संज्ञान नहीं लेती। उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड हो गया है, कभी का जमाना हुआ करता था कि 5 लोग भी धरने पे बैठ गए तो सरकार सुनती थी कि भाई पता करो इनकी परेशानी क्या है, लेकिन आज सरकार टरकाई जाती है कि आप मैनेज करो। तो मेरा ये कहना है कि हमने पिछले महीने तहसील स्तर पे छोटे छोटे प्रोग्राम किए थे, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर करे तो बहुत भीड़ हो जाती है। आज जो कोरोना काल की स्थिति है वो भी विकट है। हमने सरकार को प्रत्यावेदन के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से 2-3 बार हम बता चुके, अब किसान का सारा काम भी खत्म है। अभी हमने उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से समय भी मांगा है। हमारा उनसे यही कहना है कि भाई आप जो है गन्ने का भुगतान कराए। आप गन्ने का भुगतान नहीं कराते तो अब ये है कि अगले महीने से इसके लिए बड़ी मुहिम एकजुट होकर कोई शुरू की जाएगी,
और गन्ना आंदोलन के लिए तो फिर बड़ा आंदोलन, अगर भुगतान अब ये नहीं करते तो इसके लिए चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, रोड रोकने से पहले सरकार को समझ नहीं आता। हम ये चाह रहे थे कि कोरोना काल है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसान का भुगतान हो जाए। मेरा प्रश्न ये था कि एक आपका संगठन, बड़ा संगठन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पे गन्ना की बेल्ट है, गन्ना किसान है, और इस वक्त इतनी बुरी हालत है, इनको हाथ में कैश चाहिए, तमाम तरह के संगठन जो है अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मेरा कहना यह है कि तमाम तरह के संगठन एकजुट होकर एक ही छाते के अंदर आकर अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद करते, ताकि वो आवाज और ज्यादा इफेक्टिव हो और एक अच्छा खासा दबाव बन सके। जैसे कि आपने बोला कि सरकार इंतजार करती है कि किसान सड़क पर उतरें, आंदोलन करें और अपना हक छीने। जी जी, देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे संगठन का स्वरूप है उसी हिसाब से आंदोलन करना पड़ता है। अगर हम भी बिना प्लान के कोई छोटा आंदोलन करते हैं तो सरकार उसको हल्के में लेती है। हमने सरकार को चेतावनी दी थी, एसडीएम उप जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिए थे कि अगर आप जो है भुगतान नहीं करोगे तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो हमारी बैठक हुई थी, कल भी वेबिनार थी, उसमें भी ये तय हुआ कि अगले महीने रक्षाबंधन के बाद ये किसान के सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, और रक्षाबंधन के बाद कोई एक बड़ा आंदोलन, मतलब ऐसा आंदोलन एक दिन का नहीं, कोई अनिश्चितकालीन कुछ तय करके, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो या उपजिलाधिकारी कार्यालय पे हो, हम बहुत जल्दी इस पे तय करके बहुत बड़ा आंदोलन इस पे करेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि भाई देखिए, संगठन और ये सब चीजें सबका स्वागत है, कोई भी आए ज्वाइन करे। हमने तो पहले भी संयुक्त प्रोग्राम किए हैं, अब किसी की महत्वाकांक्षा हो सकती है वो एक अलग विषय है, लेकिन हम प्रोग्राम तय करके सबको इनवाइट भी करेंगे और आंदोलन पहले भी किए और बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए पहले उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव का आंदोलन होता था, लेकिन दुर्भाग्य है किसानों का, बहुत आपने गन्ना डाल दिया, अब आप उसके बकाए को भुगतान के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो ये सरकार का और फैक्ट्रियों की जो मिली भगत है, हर साल ब्याज माफ कर दिया जाता है, तो ये आपस का जो, मतलब मैं बताऊं आपको, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई उत्तर प्रदेश के पिछली बार, उन्होंने कहा कि नहीं अगर भुगतान रेट बढ़ा दिया तो उद्योग बैठ जाएगा। मतलब ब्यूरोक्रेसी आप देखो इतनी हावी है कि मुख्यमंत्री को भी ये समझा दिया कि अगर बहुत ज्यादा सख्ती की गई तो ये शुगर फैक्ट्री बंद कर देंगे, और उनको ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में एक्सेस गन्ना है, बड़ा कानून व्यवस्था का सवाल आ जाएगा, धीरे धीरे इनसे भुगतान कराएंगे और धीरे धीरे सब फैक्ट्री चलाएंगे। तो ये एक सब मिली भगत का नतीजा है इन सब का, लेकिन ये है कि बड़े आंदोलन के बिना सरकार जो है इस पे विचार करने वाली नहीं है, ये हमें भी पता है, और आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगले महीने हम गन्ने के विषय को लेकर, कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और तभी जाकर किसानों की बात सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।